हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 06 स्टडी पॉइंट। और आज हम करने वाले हैं एसएससी जेई के लिए, एसएससी जेई, डीआरडीओ, डीएमआरसी और जितने भी आपके मैकेनिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का आपका मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, गेट, बीटेक, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं, जो आ चुके हैं, ठीक है, उन सभी का मेरे पास कलेक्शंस है। और उन सभी क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे। हम सबसे पहले हाइड्रोलिक्स के स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोलिक्स में आपके लगभग 400 टू 500 क्वेश्चंस हम करेंगे, जो कि आपके मैं डेली क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं कोई स्टार्टिंग करूंगा आपके 30 टू 35 क्वेश्चन से और फिर उसका लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा, डेली क्वेश्चंस पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में 35, इसलिए अगर मैं स्टार्टिंग में ही ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो आप वीडियो देखकर बोर हो जाओगे और आप क्वेश्चंस भी नहीं करोगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, ठीक है। और वही चीज़ होती है आपके साथ कि आप पढ़ तो लेते हो बट आपको क्वेश्चंस नहीं मिल पाते। तो मैं क्या करूँगा कि आपको एज मच एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा, जितने क्वेश्चंस मुझसे हो पाएंगे, ठीक है गाइस। 4000 5000 6000 जितने क्वेश्चन हो पाएंगे मैं सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो हाइड्रोलिक्स हो, चाहे वो थ्योरी ऑफ मशीन हो, चाहे वो मैकेनिक्स हो, चाहे वो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हाइड्रोलिक मशीन्स हो, चाहे वो आपकी मेट्रोलॉजी हो, ठीक है गाइस। तो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मशीन डिज़ाइन, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उन सभी से रिलेटेड हम आपके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। हम डेली के अभी जो स्टार्टिंग है वो हम 35 टू 30 क्वेश्चंस से करेंगे, उसके बाद हम ये लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे, फिर 40 कर देंगे, 50 60 70 एंड 80। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम एक दिन में एक ही वीडियो में या फिर दिन में दो टाइम में 50 50 क्वेश्चंस की दो वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा और आप दिन में दो टाइम में वो वीडियोज़ देख पाओगे, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा लो लेवल से चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा बोर ना हो और आपको हैबिट पड़ जाए, आपको आदत पड़ जाए क्वेश्चन सोल्व करने की। तो हम एमसीक्यू, हम डायरेक्ट, हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ क्वेश्चन पे रहेगा। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको थ्योरी में अपनी हाइड्रोलिक्स पढ़नी है, तो हम वो थ्योरी से भी स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको थ्योरी पढ़ानी स्टार्ट कर दूंगा बेसिक से, चाहे वो आपका एसएससी जेई लेवल का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या गेट लेवल की, वो आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगी, ठीक है। आप जो भी एग्जाम की, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो वो सब्जेक्ट भी मैं अलग से स्टार्ट कर दूंगा, उसकी एक सीरीज थ्योरी वाइज, ठीक है गाइस, नोट्स के साथ। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, फ्लूड इज अ सब्सटेंस दैट, तो आपको ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स, ऑलवेज एक्सपैंड अंटिल इट्स फिल्स एनी कंटेनर। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये मेरी आवाज भी सुनो और क्वेश्चन को समझो साथ साथ, ठीक है। फ्लूड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स, रॉन्ग है। ऑलवेज एक्सपैंड्स अंटिल इट्स फिल्स एनी कंटेनर, रॉन्ग। Has the same shear stress at the point of regardless of its motion, तो ये भी wrong है। Cannot remain at rest under the action of shear force, यही आपका correct है। तो इसका first question का आपका answer है D option, cannot remain at rest under the action of any shear force। मैं book पर tick नहीं लगा रहा हूँ ताकि आप देखते ही answer आपको पता ना चले, ठीक है, ताकि अगर आप बाद में बिना audio के भी अगर अपना test देना चाहो तो आप वो दे सको, ठीक है गाइस। तो आप इससे अपना टेस्ट भी कर सकते हो, आप ऑडियो बंद कर दो, क्वेश्चन को खुद ही रीड करो और खुद आंसर करने की कोशिश करो, उससे आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है गाइस। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। और आप ये भी कर सकते हो कि आप अपनी बुक नोटबुक में नोट कर सकते हो, आपको क्या करना है, बाकी ऑप्शंस का कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ ये लाइन लिखनी है और ये लिखनी है, डायरेक्ट उसके आगे आंसर लिखना है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स, ठीक है गाइस। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपको वहां पर ये ऑप्शन भी सेम ही मिलने वाले हैं, ठीक है। एसएससी जेई का जो आपका एग्जाम होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन वही आते हैं जो आपके दूसरे अनदर एग्जाम्स में आ चुके होते हैं, और मोस्टली जो आपके क्वेश्चन बेस होते हैं वो गेट के लेवल पे बेस होते हैं, गेट में जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं या फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर में से कुछ 15 to 20% आपका पेपर वहां से आता है, ठीक है गाइस। फर्स्ट लेक्चर है तो मैं इसमें बात आपको ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बताना होगा कि पेपर कैसा होता है, क्या होता है। अगले वीडियो से शायद ऐसा नहीं होगा, सिर्फ हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे बट इसमें शायद आपकी थोड़ी बातें भी ज़्यादा इंक्लूड हो जाएं। 4 मिनट हो गई हैं बट अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं, फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी वाले। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ प्रेशर, फ्लो, शेप, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप, तो इसका आंसर है आपका शेप, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिकल फ्लूड, प्रैक्टिकल फ्लूड जो रियल फ्लूड असलियत में होते हैं, प्रैक्टिकल जिन पे सभी आपका एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है।
और जो रियल फ्लूड्स होते हैं वो दे डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है गाइस। ऐसा कोई फ्लूड नहीं होता रियल टाइप का, जो प्रैक्टिकल फ्लूड होते हैं, जो फ्लूड होते हैं उनको प्रैक्टिकल फ्लूड्स बोलते हैं। सो प्रैक्टिकल फ्लूड्स आर विस्कस, नो। पोजेसिस सरफेस टेंशन, नो। आर कंप्रेसिबल, नो। ठीक है, तो इसमें ये नो नो क्यों करा हमने, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। पोजेसिस ऑल द अबव प्रॉपर्टीज, पोजेसिस नन ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी, पोजेसिस ऑल द अबव प्रॉपर्टीज। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करा रहा हूं ये मुझको मुंह जुबानी याद है, और मुंह जुबानी क्या, मेरे को एक क्वेश्चन नंबर के साथ याद है, पता है। सो इस वजह से मुझे ज्यादा ईजी लग, मुझे ज्यादा ईजी लगेगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हो कि वीडियो में कुछ चेंज हो तो आप मुझे वो बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने सभी करे हुए हैं और मेरे को ये याद है, नंबर मेरे को नंबर के साथ याद है क्वेश्चन। प्रैक्टिकल फ्लूड्स सर कौन से, प्रैक्टिकल फ्लूड्स कौन से होते हैं, जो विस्कस होते हैं जिनमें सर्फेस टेंशन होती है, वो कंप्रेसिबल भी होते हैं। अगर कोई लिक्विड आप लेते हो बट वो उसमें लिखा होता है कि वो इनकम्प्रेसिबल है, बट उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है कंप्रेस होने की। सब कुछ जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं वो कुछ ना कुछ वो कंप्रेसिबिलिटी रखती है, चाहे वो आपका लिक्विड हो या सॉलिड हो। सॉलिड भी होता है तो अगर आप उससे कुछ हैमर उससे मारते हो, हैमर मारते हो उस पर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपनी शेप चेंज करता है, तो वो भी कंप्रेसिबल होता है, वो भी विस्कस होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फ्लूड्स आर विस्कस, पोजेसिस सर्फेस टेंशन एंड आर कंप्रेसिबल। तो इसमें क्या आएगा आपका, पोजेसिस ऑल द अबव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ स्टैटिक फ्लूड, ठीक है, रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस इज स्मॉल, रॉन्ग। फ्लूड प्रेशर इज जीरो, लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, रॉन्ग। ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट, विस्कोसिटी इज नील। तो इसको राइट ऑप्शन है आपका, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। तो ये था आपका क्वेश्चन, इन अ स्टैटिक फ्लूड रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस इज स्मॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन था आपका, फ्लूड प्रेशर इज जीरो, लीनियर डिफॉर्मेशन इज जीरो, ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट एंड विस्कोसिटी इज नील। सो इसका ऑप्शन आपका डी, ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लूड इज सेट टू बी आइडियल इफ इट इज। तो इसका आंसर होगा आपका इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, ये फ्लूड इज सेट टू बी आइडियल, ठीक है ना। जो भी चीज़ आइडियल, अगर कोई आइडियल फ्लूड है तो ना तो उसमें विस्कोसिटी होती है ना ही उसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो देखते हैं हमें कुछ चीज़ मिलते हैं, इनकम्प्रेसिबल इनविस्कस, ये दोनों मिल गए, ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल ये रॉन्ग है, इनविस्कस एंड कंप्रेसिबल ये भी रॉन्ग है, इनविस्कस एंड कंप्रेसिबल ये राइट है। तो ये दोनों भी राइट है, ये भी राइट है, बट मोस्ट प्रेफरेबल आपका इसमें ई ऑप्शन रहेगा, बिकॉज ए भी ठीक है और बी भी ठीक है और सी में ये चीज़ ये दोनों है, तो इसलिए आपका आंसर है ई वाला, ठीक है गाइस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, बहुत बार क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूड मस्ट फॉलो द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट सच ए सब्सटेंस इज नोन एज आइडियल गैस, आइडियल फ्लूड। इफ नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्वेश्चन को समझो, जैसे पढ़ते हो उसको समझो। इफ नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट सच अ सब्सटेंस इज नोन एज आइडियल फ्लूड, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे एट नंबर है, द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ फ्लूड कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस इज नोन एज वट, द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ फ्लूड, जब वॉल्यूम चेंज होती है फ्लूड की, द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ फ्लूड कॉज बाय रेजिस्टेंस, जब भी रेजिस्टेंस की वजह से वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है फ्लूड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। एट का आंसर हो गया आपका, ये एट नंबर है, द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ फ्लूड कॉज बाय रेजिस्टेंस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, जब भी रेजिस्टेंस की वजह से फ्लूड की वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम में चेंज होता है, ठीक है, तो हम उसको किस चीज की वजह होता है, कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये रहा आपका यहां पे कंप्रेसिबिलिटी, एट का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइन, लिक्विड, सो इसमें आपको ऑप्शन देगा, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस किया जा सकता है, ऑक्यूपाई डेफिनेट वॉल्यूम, ये भी रॉन्ग है, आर नॉट इफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये बोल रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर और प्रेशर का, ये रॉन्ग है। तो आर नॉट विस्कस, विस्कस होता है, ये भी रॉन्ग है, तो इसमें आंसर आएगा आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट
तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, हमेशा याद रखना वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इज गिवन बाय, ये तो सभी को पता होगा, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, और ये भी पता होगा रो इज इक्वल टू किलोग्राम सेकंड स्क्वायर पर मीटर टू द पावर 4, और ये भी पता होगा कि रो इज इक्वल टू मैट्रिक पर मीटर स्क्वायर। सो गाइस इसमें आपके चार ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है गाइस। सो इसमें आपके चार ऑप्शन, वो तीन ऑप्शन ये करेक्ट है, तो ऑप्शन आएगा आपका डी। बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बट ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर पर मीटर टू द पावर 4 फॉर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, इसका आंसर होगा आपका 101.9। नेक्स्ट है आपका यूनिट्स ऑफ मास डेंसिटी इज, सो इसका आंसर होगा आपका मास डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। अब यहीं पे देखो द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर पर मीटर टू द पावर 4, तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया, द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी इज किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर पर मीटर टू द पावर 4, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड इज कॉल्ड, बहुत इजी सा पता होगा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड इज कॉल्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स, सो इसका आंसर होगा आपका कोहेशन, ठीक है गाइस। कोहेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स अपने आप को आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज सरफेस टेंशन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज, दैट इज कोहेशन, तो इसका आंसर क्या है, कोहेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड अधेशन, जब भी दो टाइप्स के फ्लूड आपके एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसको अधेशन बोलते हैं, बट जब सेम टाइप के फ्लूड मतलब सेम ही फ्लूड सेम ही पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसको कोहेशन बोलते हैं, बट आपके दोनों फ्लूड अलग अलग हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसको अधेशन बोलते हैं, ठीक है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये आपका किसका आंसर क्या होगा आपका, एट नॉर्मल प्रेशर ऑफ 760 mm, ये भी ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये भी ठीक है, एट मीन सी लेवल ये भी ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन SI यूनिट इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन SI यूनिट इज इक्वल टू, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन SI यूनिट इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब, सो इसका आंसर आपका सी, 9.8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द फ्लो पैरामीटर्स एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट देन द फ्लो इज सेड, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर से समझो, व्हेन द फ्लो पैरामीटर्स एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट देन द फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, यूनिफॉर्म। अगर आपने अभी तक थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी होगी, कॉलेज में पढ़ा होगा, तो आपको रिमेम्बर होगा ये सिंपल वाली डेफिनेशन है सभी, ठीक है। आगे जाके आपके थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, बट एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं SSC JEE के और DRDO के टायर 2 में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है गाइस। और अगर आप RRB की में आपने ये हाइड्रोलिक सब्जेक्ट होगा और ये चूज किया होगा तो आपके उसमें भी यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है गाइस। Which of the following is dimensionless? So, इसमें आपको बताना है कि किसके डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस, स्पेसिफिक वेट की डायमेंशन होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी डायमेंशन होती है, स्पेसिफिक स्पीड की भी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डायमेंशन नहीं होती, स्पेसिफिक विस्कोसिटी की भी होती है, तो विच इज डायमेंशनलेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी। द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूड विल बी कॉन्स्टेंट एट ऑल द डायरेक्शन एट अ पॉइंट ओनली इफ इट इज एट रेस्ट, ठीक है,
तो इफ इट इज इनकम्प्रेसिबल, इट इज यूनिफॉर्म विस्कोसिटी, इट हैज जीरो विस्कोसिटी, इट इज फ्रिक्शनलेस, ये रहा, इट इज एट रेस्ट. ठीक है गाइस. द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूड, द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूड विल बी कॉन्स्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट ओनली इफ इट इज एट रेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूड विल नॉट बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन व्हेन द फ्लूड इज विस्कस एंड मूविंग. द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूड विल नॉट बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन व्हेन द फ्लूड इज विस्कस एंड मूविंग. तो इसमें आंसर मूविंग है, विस्कस भी है, विस्कस एंड स्टैटिक, इन विस्कस एंड मूविंग, विस्कस एंड मूविंग, देन ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर. ठीक है गाइस, आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, आंसर याद करते रहिए. ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने अभी तक थ्योरी सही से नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं याद कॉलेज में आपने जो पढ़ा था, तो आपको क्या करना है, बस याद कर लो, यही बेसिक फंडा है. अगर आपको एसएससी जेई क्लियर करना है तो गाइस सबसे बढ़िया ट्रिक है टायर वन क्लियर करने की, कि याद कर लो क्वेश्चंस को, याद कर लो एज मच एज जितने ज़्यादा हो सके, 5,000, 6,000, 7,000, बस इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा. एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 किलोग्राम मास वेट्स 9.81 किलोग्राम ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस देन द वॉल्यू ऑफ वेल देन द वैल्यू ऑफ जी एट दिस पॉइंट इज. गाइस ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है आपका. ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 किलोग्राम मास वेट 9.81 किलोग्राम ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस द वैल्यू ऑफ जी एट दिस पॉइंट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन ऑप्शन इज ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सर्फेस टू कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया था 2 मिनट पहले, तो ये था आपका सर्फेस टेंशन. द टेंडेंसी ऑफ फ्लूड, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सर्फेस टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये होगा आपका सर्फेस टेंशन. द सर्फेस टेंशन ऑफ मर्करी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर्ड. नेक्स्ट है आपका, द सर्फेस टेंशन ऑफ मर्करी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ वाटर इज, वाट होगी, क्या होगा, द सर्फेस टेंशन ऑफ मर्करी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ वाटर इज मोर. ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो गया मोर. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, परफेक्ट गैस हैज नो, हैज कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी, हैज जीरो विस्कोसिटी, इज इनकम्प्रेसिबल, इज ऑफ थियोरेटिकल इंटरेस्ट, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. सो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड. तो इसका आंसर होगा आपका, जब भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस, सभी की नहीं बस मोस्ट ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड, क्या होता है, एक इरेटिक बिहेवियर शो करती है. ठीक है, गैस भी और लिक्विड भी हाई प्रेशर पे, ग्रेट प्रेशर में. ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका शोज इरेटिक बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिगर ब्लो शोज फोर कर्व्स, आपको इसमें फोर कर्व्स दिखाए हुए हैं, ए बी सी डी ऑन अ प्लॉट ऑफ विस्कस शियर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर थ्री फ्लूड्स. ठीक है, आपका विस्कस शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे आपका ग्राफ दिखाया हुआ है, आपका डायग्राम दिखाया हुआ है. ठीक है, जो कि आपका न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के लिए है और आइडियल एंड आइडियल सॉलिड के लिए. तो हमको देखना है कि इसमें सभी हमको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो मैं आपको इसी पे बता देता हूँ. सॉरी, तो इसके 4 या 5 क्वेश्चन पूछे हुए आपसे, सब की बात करते हैं. तो सबसे पहले आपसे पूछा हुआ, फॉर आइडियल सॉलिड द कर्व एप्लीकेबल इज, आइडियल सॉलिड के लिए आपका कौन सा कर्व एप्लीकेबल है. तो इसमें आंसर है आपका आइडियल सॉलिड के लिए आपका डी वाला कर्व एप्लीकेबल है. ठीक है गाइस, सो विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस ये वाला आपका आइडियल सॉलिड के लिए हो गया, आइडियल सॉलिड के लिए हो गया, और आइडियल फ्लूड के लिए आपका ये वाला हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इन द फॉलोइंग फिगर, इन द अबव फिगर फॉर आइडियल फ्लूड कर्व एप्लीकेबल इज ए, इसका आंसर है आपका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द अबव फिगर फॉर न्यूटोनियन फ्लूड कर्व एप्लीकेबल इज, फॉर न्यूटोनियन फ्लूड के लिए आपका ये वाला कर्व है बी. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है गाइस, बी आइडियल सॉलिड, आइडियल फ्लूड और ये न्यूटोनियन फ्लूड. ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द अबव फिगर फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कर्व एप्लीकेबल इज,
फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड होगा आपका ये वाला सी, जो कर्व में जा रहा है, ठीक है, फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूड सी वाला, ठीक है। ये चारों तो बात हो गई आपके फिगर्स की, एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। आइडियल सॉलिड, आइडियल फ्लूड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, फिर से देख लेते हैं। आइडियल सॉलिड, आइडियल फ्लूड, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्लूड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन शेयर स्ट्रेस, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी ये वन लाइनर टाइप इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटे की सभी जो क्वेश्चन है आपके, छोटे बड़े जो भी एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, इफ फ्लूड कैन नॉट सस्टेन शेयर स्ट्रेस, इफ फ्लूड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन शेयर स्ट्रेस, ठीक है। इक्विलिब्रियम में जब भी फ्लूड होगा तो वो शेयर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाएगा, जैसे उस पर शेयर फोर्स आएगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। फ्लूड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाएगा। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी इज हायर, विस्कोसिटी वाटर की ज्यादा होती है मरकरी के कंपैरिजन में, ठीक है। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विथ इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका इंक्रीजेज, जब भी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विथ इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज, जब भी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे ही आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इंक्रीज भी इंक्रीज होता है प्रेशर के साथ, ठीक है गाइस। सो विद दैट सेट, दैट्स इट फॉर टुडे, 35 क्वेश्चंस इनफ है आज के लिए। सो ये क्वेश्चंस आप रिपीट करो, चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, या मैंने इसमें टिक्स इसलिए नहीं लगाए ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको। आपको क्या करना है, सिर्फ ऑडियो क्लोज करनी है, वीडियो देखनी है फास्ट फॉरवर्ड करके, और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है साहब। सो विद दैट सेट, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और उसी के साथ प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 बंदों को करो, ग्रुप में शेयर करो, बस एक बंदे को शेयर कर दो, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बंदा है, आपका फ्रेंड है, उसको बस एक बंदे को शेयर कर दो, इतना ही काफी है, ठीक है गाइस। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि अब से आपकी जो मैकेनिकल की एक क्वेश्चन सीरीज है वो रेगुलर कंटिन्यू होगी। अभी मैंने 35 क्वेश्चन से शुरू किया है, जैसे जैसे अपने साथ लोग बढ़ेंगे, आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा इंक्रीज होंगे, वैसे ही मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज कर दूंगा। अभी 35 है, फिर 50 कर दूंगा, फिर 70 एंड देन 100, ताकि आपको भी बोर ना हो और मुझे भी बोर ना हो, क्योंकि 100 क्वेश्चंस में फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बात होगी, मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डायरेक्ट डेली 100 क्वेश्चंस। बट अभी इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है, और अभी आपको इतने ज़्यादा देर तक पढ़ने की आदत भी नहीं होगी, ठीक है। तो 35 क्वेश्चंस इनफ है, कल को भी आपको मॉर्निंग के टाइम में ही 35 क्वेश्चंस की एक न्यू वीडियो मिल जाएगी। सो डेली आप 35 क्वेश्चंस करोगे, 10 दिन में आपके 350 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब आप हम 100 क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे तो एक महीने में हमारे 3000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, 3000। और एसएससी जेई को क्लियर करने के लिए मैक्सिमम 5000 क्वेश्चंस इनफ होते हैं, ठीक है। अगर 5000 क्वेश्चन भी करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 80 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं आपके, इन्हीं क्वेश्चन में से डिक्टो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है गाइस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपरेशन करते रहो, और अगर आपको थ्योरी लेक्चर्स भी चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।